हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक का जो क्लास होता है वो लेक्चर आज है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज क्वाड्रेंट बताऊंगा किस क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं वो बताऊंगा। और साथ में हाँ, एक चीज याद रखो मेरे भाई, पूरे बेसिक से लेकर चल रहा हो तो कॉन्सेप्ट क्लास है। इस कॉन्सेप्ट क्लास को छोड़ दोगे तो फिर ऐसे ऐसे ट्रिक्स भी इसमें ही क्वेश्चन में डालूंगा ना। आज ऐसे ऐसे कुछ हल्का ट्रिक्स भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्वाड्रेंट होता है चार। क्वाड्रेंट कितने होते हैं? चार होते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान से, क्वाड्रेंट चार होते हैं आपका। तो मैंने ले लिया क्या, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की सीन ऐसी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब है साइन थीटा, कोसेक थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सब क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कॉसिक थीटा पॉजिटिव होगा, नहीं तो बाकी सब निगेटिव होगा, नहीं तो बाकी सब निगेटिव होगा। अब यहीं पर देखो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपकी बात करते हैं टैन थीटा और कॉट थीटा, दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होगा। वही बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होगा। ये चीज ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लेता हूं कैमरा का हालचाल कैसा है, सही सब चल रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना होगी, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे आपका अब आता है क्या, आगे आपका आता है कुछ फॉर्मूले। देखो मैंने कुछ फॉर्मूले आपको नहीं बताया था, तो वो जान लो। अगर tan थीटा का फॉर्मूला पूछे तो क्या फॉर्मूला दोगे? अगर tan थीटा का फॉर्मूला दे पूछेगा तो बोलोगे गुरुजी आपने तो एक फॉर्मूला हमें बताया था आइडेंटिटी में, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो हमसे पूछे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस वन रूट अंडर इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर आपसे एक और फॉर्मूला पूछे टेन थीटा का, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर पूछे आपसे टेन थीटा का टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, तो क्या बोलोगे? टेन ए प्लस टेन बी और क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहीं पर आपका फॉर्मूला रहे टेन ए माइनस बी का, तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अब यहां तक तो समझ गए, यहां तक तो समझ में हमें आ गया। अगर कुछ और फॉर्मूला रहे, जैसे जैसे आपका एक और फॉर्मूला रहे, आपको बोल दे साइन ए प्लस बी का बताइए, तो क्या बोलोगे, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, जितने फॉर्मूला बता रहा हूं ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। और कल मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, शायद ही आपको याद होगा, वो फॉर्मूले का था, जाके देख लेना
कि आपका साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 36 की वैल्यू क्या होती है, टेन 21 टू एंड हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट टू माइनस वन होती है, साइन 18 की वैल्यू क्या होती है, टेन 15 की वैल्यू क्या होती है, सारे मैंने बता रखे हैं, तो ये चीज जाके देख लेना। अब देखो यहीं पे अगर हो जाए साइन ए माइनस बी की बात करता है तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये भी याद कर लेना, कॉपी में नोट डाउन कर ले, ये सेकेंड फॉर्मूला है आपका, समझ गए। अब बात करते हैं कुछ और फॉर्मूले की, तो एक फॉर्मूला आपका आता है यहीं पर कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी दे दिया आता है, अगर आपका कॉट ए प्लस बी पूछे, क्या कॉट ए प्लस बी पूछे तो आपको याद रखना है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट ए होगा, ध्यान रखना मैं इतना ही बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ये फॉर्मूला भूल जाते हैं मगर उनको ये याद रखने जो होता है कि क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर यहीं पर आपको कॉट ए माइनस बी पूछेगा तो क्या करोगे, अगर यहीं पर आपको कॉट ए माइनस बी पूछेगा तो आप याद रखना सेवेंथ फॉर्मूला क्या हो जाए आपका, कॉट ए माइनस बी पूछे, लाइन ही कट गई दोस्तों,